हेलो एवरीवन। तो निफ्टी का डेली चार्ट है और निफ्टी के डेली चार्ट में मैंने ये बाउंस आपके साथ क्लियर कट डिस्कस किया था कि निफ्टी में देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से एक बाउंस आने वाला है। देखिए ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था और यहाँ से देखिए एक अच्छा बाउंस आ गया और बहुत ही शानदार बाउंस है। और इस बाउंस को कैसे आया है इसको भी पूरी तरह से समझना जरूरी है और क्यों आया है। और ये जो हमारा बाय ऑन डिप्स का जो रणनीति था अभी भी देखिए काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो मैंने आपके साथ क्लियर कट यही चीज़ शेयर किया था कि देखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति जो है यहाँ पर निफ्टी में ये अभी तक कारगर है, अभी काम करेगी। देखिए यहाँ पे आपको बड़े प्रॉफिट नहीं मिलेंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि जब आपको ऊपर प्रीवियस का जो हाई है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है तो ऑप्शन सेलिंग या फिर छोटे छोटे प्रॉफिट से आप निकलते रहिए, ठीक है। या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो भी इसमें बड़ा लॉस नहीं होगा ना, एक्चुअल में बड़ा लॉस तो नहीं होगा। और जब इसके नीचे जाएगा तो हमारा फाइनल एग्जिट आ ही जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को समझना जरूरी है कि देखिए मार्केट है, मार्केट किसी भी टाइप से बिहेव करे अपने स्ट्रक्चर को फॉलो करना जरूरी है, अपना जो रूल्स हमने बनाया है उसको फॉलो करना जरूरी है। और रूल्स को फॉलो करने के बाद देखिए रिजल्ट शानदार मिल रहा है क्योंकि देखिए मार्केट यहाँ पे एक छोटा सा करेक्टिव फेज में आ रहा है लेकिन ये गारंटेड नहीं होता है। जब मार्केट यहाँ पे था तभी मैंने आपके साथ बोला था कि मार्केट नीचे जा सकता है लेकिन ये गारंटेड नहीं है। लेकिन हम गारंटेड जो ऊपर के जो बाउंस है इसको तो गारंटेड तरीके से पकड़ सकते हैं ना, तो जिसमें अच्छा प्रॉफिट हो। अभी देखिए बाउंस कहाँ कहाँ पे आया है इस चीज़ को भी समझना जरूरी है। बाय ऑन डिप्स कहाँ आपको करना चाहिए, आप पूछते हैं कि बाय ऑन डिप्स कहाँ करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स मैंने आपके साथ बार बार शेयर किया है कि कहाँ पर करना चाहिए। देखिए बाय ऑन डिप्स आपको एक कोई सपोर्ट पे हो या फिर कोई आपका बाइंग का सेटअप लेवल पे हो। जैसे यहाँ पे देखिए अब ट्रेंड चला रहा था उसके बाद 9 EMA के पास हमें बाय करना पड़ता है। ये बाय हुआ, इसको आवर्ली चार्ट में मैं दिखाऊंगा कि कितना बड़ा बाउंस है, छोटा नहीं है ये, आपको डेली चार्ट में छोटा दिख रहा है। बाउंस आ गया, फिर नीचे आया, फिर 20 EMA के पास से एक अच्छा बाउंस आया, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से भी एक अच्छा बाउंस आया। तो जो जो सपोर्ट लेवल से एक्चुअल में बाइंग होना चाहिए वहां से बाइंग हो रहा है। और हर बार मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ और अभी भी मैंने आपके साथ फाइनल एग्जिट कभी भी शेयर नहीं किया है कि मार्केट में फाइनल एग्जिट आ गया। अब देखिए मोमेंटम लॉस हुआ है, मोमेंटम लॉस तो हमारा आवरली कैंडल में पहले ही हो गया था। मोमेंटम लॉस अगर आप आवरली में देखेंगे तो हम 19,800 के पास हमारा मोमेंटम पूरा इस ट्रेंड का लॉस हो चुका था और इसमें से हम एग्जिट थे। उसके बाद ये डेली ट्रेंड में देखिए मोमेंटम लॉस यहाँ पे हुआ है और अभी हमारा जो ट्रेंड है अभी कंटिन्यू है लेकिन मोमेंटम डेली में भी लॉस हुआ है। तो मोमेंटम लॉस हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में आएगा तो डाउन ट्रेंड का जो कन्फर्मेशन है उसको कंप्लीट करेगा और उसके बाद देखिए अगर मार्केट इसके नीचे आता है, ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके नीचे आता है तो हम सेलिंग का भी प्लान कर सकते हैं या फिर हम इसमें अग्रेसिव बाइंग तो एटलीस्ट नहीं करेंगे या फिर बाइंग करेंगे ही नहीं, तो ये चीज़ इससे यहाँ पे बच सकते हैं। लेकिन जब तक मार्केट बाय ऑन डिप्स है हम बाय ऑन डिप्स ही करते रहेंगे और वही चीज़ हम करते आ रहे हैं आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं हर एक दिन हर इस चैनल पर ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि देखिए मार्केट ऐसे ही बिहेव करता है। मार्केट का अगर मैं आवरली चार्ट लगाऊं निफ्टी का तो देखिए निफ्टी के आवरली चार्ट में अगर आप कोई भी सपोर्ट लेवल पर अगर बाइक किए होते, क्यों बाय किए होते हैं, देखिए कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, आपको मल्टीपल कंफर्मेशन लेने पड़ते हैं। जैसे देखिए फर्स्ट जब यहाँ पे करेक्टिव फेज आया तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम लॉस हो गया, उसके बाद वेट करते रहे वेट करते रहे, जब यहाँ पे देखिए हैमर कैंडल बना उसके बाद ग्रीन कैंडल बना उसके ऊपर प्राइस गया, मोमेंट आया, ठीक है। उसके बाद फिर नीचे आया, यहाँ पे देखिए 20 EMA के पास में यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बना था, वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ऊपर आया उसके बाद फिर सेलिंग आ गया। तो ये सब ट्रैप में भी फंसेंगे तो इसमें आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस केवल ऊपर जाते हुए ट्रेल नहीं करना है, अगर आपका कॉस्ट टू कॉस्ट अगर मार्केट आ रहा है और अगर आप इसमें एग्जिट करना चाहते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट प्लान भी जरूर रखिए। और ये चीज़ यहाँ पे मार्केट था तो मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था और जब भी इस टाइप का सिनेरियो दिखता है तो मैं डिस्कस कर रहा था, हमेशा ये चीज़ नहीं बताया जा सकता है। जब कुछ होने वाला होता है तो वहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक ट्रैपिंग आया, ट्रैपिंग के बाद ये पहले ही डिस्कस किया जा चुका था कि यहाँ पे बाइंग वाला जोन है। इसके बाद देखिए फिर से वापस में बाइंग आ गया, प्राइस 2 दिन तक देखिए बाइंग में ही चल रहा है। अब देखिए फाइनल रेजिस्टेंस यहाँ पे है, अगर इसके आसपास में आके फिर से अगर कोई बाइंग के पैटर्न बनाता है तो फिर से अग्रेसिव बाइंग में आ जाएंगे। अदरवाइज छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट थोड़ा सा बुलिश है लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, मार्केट एक टाइम रेंज बाउंड मार्केट में हो गया है। तो ये करेक्टिव फेज है लेकिन ये करेक्टिव फेज जो है ये साइडवेज करेक्शन है। करेक्शन के देखिए अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो करेक्शन चल रहा है ये साइडवेज करेक्शन चल रहा है। देखिए स्लोली स्लोली करेक्शन आ रहा है, कई सारे करेक्शन इस टाइप से फास्ट भी होते हैं। तो मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, जब तक ये जो लेवल है इसके ऊपर जब तक मार्केट सस्टेन कर रहा है हम इसमें बाइंग की रणनीति पे ही काम करते रहेंगे। जब ये जब फेल हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे प्लान करेंगे क्या करना है, आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर करूंगा। तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए और रिलैक्स होकर आप इस चैनल के वीडियोज़ को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए।